आज से 9 दिनों तक 9 अलग अलग देवियों की पूजा की जाएगी। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैलपुत्री माता को उमा, सती और हेमवती आदि नामों से भी जाना जाता है। माँ शैलपुत्री का वाहन ऋषभ है। माता के माथे पर चंद्रमा सुशोभित है और उन्हें सफेद रंग प्रिय है, इसलिए माँ शैलपुत्री की पूजा में उन्हें सफेद रंग के ही वस्त्र, पुष्प, गाय का घी और मिठाई अर्पित की जाती है। मान्यता है कि विधिवत माँ शैलपुत्री की पूजा से जीवन में शांति और सुख समृद्धि का वास होता है। तो आइए जानते हैं माँ शैलपुत्री की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार प्रजापति दक्ष ने अपने घर पर यज्ञ का आयोजन करने का सोचा, तो उन्होंने सभी देवी देवताओं को अपने यहाँ आने का निमंत्रण भेज दिया, लेकिन राजा दक्ष ने भगवान शिव को नहीं बुलाया। देवी सती को लगा था कि उन्हें भी बुलावा भेजा जाएगा, परंतु उनके यहाँ यज्ञ में आने का निमंत्रण नहीं आया। फिर भी देवी सती को उस यज्ञ में जाने का मन हुआ, लेकिन शिवजी जी ने उन्हें मना कर दिया। शिवजी जी ने सती को बोला कि अभी तक उनके पास यज्ञ में जाने के लिए कोई निमंत्रण नहीं आया है, इसलिए वहाँ जाना ठीक नहीं होगा। फिर भी देवी सती ने उनकी बात नहीं मानी। बार बार यज्ञ में जाने का आग्रह करने के कारण भगवान शिव ने उन्हें जाने की अनुमति दे दी। फिर देवी सती जब अपने पिता राजा दक्ष के यहाँ पहुँची, तो जाकर उन्होंने देखा कि अपने पिता के यहाँ कोई भी उनसे सम्मान और प्रेम के साथ बात नहीं कर रहा था। वहीं देवी सती के अन्य बहनें भी उनका तथा शिवजी जी का मजाक उड़ा रही थी। स्वयं देवी सती के पिता प्रजापति दक्ष ने भी सती का अपमान करने का मौका नहीं छोड़ा। इस प्रकार वहाँ मौजूद सभी लोग सती के साथ रूखा व्यवहार कर रहे थे, लेकिन जब देवी सती जी की माता ने अपनी बेटी को देखा तो प्यार से गले लगा लिया। परंतु अन्य सभी का ऐसा व्यवहार देखकर माता सती बहुत ही दुखी हो गई। तब अपना और अपने पति शिवजी जी का अपमान उनसे सहन ना हुआ। इसके बाद इस अपमान से अत्यंत दुखी होकर माता सती ने उसी समय वहाँ यज्ञ की अग्नि में कूद कर स्वयं के प्राण त्याग दिए। जैसे ही भगवान भोलेनाथ को इस बात की जानकारी हुई तो वह भी बहुत दुखी हो गए। इसके बाद भगवान शिव क्रोध से आग बबूला होते हुए राजा दक्ष के यहाँ गए और तुरंत यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। मान्यता है कि इसी माता सती ने फिर हिमालय की पुत्री शैलपुत्री के रूप में जन्म लिया।